आपके कर्म स्थल पर और कार्य क्षेत्र में थोड़ा विरोध हो सकता है, मन मुटाव की स्थिति हो सकती है और आपको संतान से विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। गुप्त शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है। आज आपको परिश्रम से लाभ मिलेगा, जितना बड़ा परिश्रम करेंगे उतना ही लाभ होगा और पिता का सहयोग प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही हैं। सुख में वृद्धि का भी योग बन रहा है। जो मीन राशि वाले जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि बृहस्पति शुक्र आपके अष्टम भाव में बैठा है, तो आज आपके विरोधी सक्रिय होंगे, कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियाँ आ सकती हैं, थोड़ा सा अपने को अलर्ट रहने की जरूरत है, हेल्थ पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और सूर्य बुध आपका छठे भाव में है, तो आप रोग और शत्रु को हल्के में न लें, हेल्थ के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति और जो आपके रोग हैं इसके प्रति ध्यान रखने की जरूरत है। अगर कोर्ट कचहरी में कोई विवाद चल रहा है तो उसमें आज आपको विजयश्री मिल सकती है। सावधानी क्या बरतनी है, अनावश्यक तनाव लेने से बचें। उपाय क्या करना है, बेलपत्र और सफ़ेद चंदन से भगवान शिव जी की जलाभिषेक करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। शुभ अंक 9 है और आपका शुभ रंग केसरिया है, लक मीटर 9 है। हरे कृष्ण।